आज हम आपको फिर से अपडेट देने वाले हैं NH8 से। हम 278 रोड रहेजा रिवानता के पास से हम कैसे कनेक्ट करेंगे M3 की गैलरी पे। सो अभी जो रास्ता था वो खाली क्या कहते हैं मैप्स को के यहाँ से डायरेक्ट NH8 से आता था। अगर आपको जाना था सेकंड फ्लाईओवर से, अगर गुड़गांव से आ रहे हैं या फिर आप जयपुर से आ रहे हैं, टोल से पहले जो सेकंड फ्लाईओवर है वहाँ से आपको राइट लेना होता था या गुड़गांव की तरफ से आएंगे लेफ्ट लेना होता था। बट अभी दिखाएंगे कितनी रोड बन चुकी है अंदर की। ये साइड में अगर आप देखेंगे रहेजा का रिवानता है और इसके बिल्कुल अपोजिट 78 सेक्टर में ही ROF का एम्बलीज है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग का, जिसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी बिल्कुल इसके अपोजिट है, उसमें आपका कमर्शियल शॉप भी आई हुई है हमारे पास। किसी को 40 लाख में इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी हमारे पास ऑप्शन है। सो ये रोड देखो कितनी अच्छी बन गई है, पहले थोड़ा टूट फूट हो रखी थी यहाँ पे, ये देखिए ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है। देखते हैं ये कंप्लीट कब तक होता है। वैसे सबसे अच्छा प्रोजेक्ट गुड़गांव का मेरे को यही लगता है रहेजा का रिवानता। 55 फ्लोर तक की बिल्डिंग तो बन चुकी है, अभी 63 फ्लोर की बननी थी, समाओ भी थोड़ा सा काम रुका हुआ है, बाकी पेंट तो हुआ है काफ़ी, दो तीन बात देख रहे हैं। जैसे हम कह रहे थे बिल्कुल इसके अपोजिट एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल का, अब दिखाते हैं उसकी कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है आपको यहाँ से दिख जाएगी। बिल्कुल देखो ये रहेजा रिवानता, ये लिखा है आपका बाय रहेजा और ये इनका अफोर्डेबल हाउसिंग का। देखो माई वन शिफ्टिंग से काम चल रहा है, कितना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट लग रहा है। लोकेशन देखिए वाव। अभी हम चलते हैं वापस अरावली हिल्स वाले रास्ते पे, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से, देखिए कितना अच्छा वेदर हो जाता है। गुड़गांव का सबसे महंगा शहर है।